Hello. निकालने के लिए हम सिम्पसन का नियम और समलंबी का नियम दो नियम पढ़ाते हैं। सबसे पहले सिम्पसन का एक तिहाई नियम क्वेश्चन है सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर जमीन के एक बार पर ज्ञान करें चोटियां दी गई है दिया गया
Tierra. Van a hacer la ventina en el lugar de la Simpson Dulce. Simpson Dulce ya me maté. Que
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक अच्छी जैसी मूवमेंट चली नदी नदी की चौड़ाई है 80 मीटर चौड़ी किनारे से 1 सेंटीमीटर किनारे दूरी पर नापी गई धाराएं क्षेत्रफल। अब देखिए ये क्या बताता हूँ मैं, ये क्या बताता हूँ मैं, y5, y6, y7, y8, y9.
Y पूरा क्षेत्रफल हो गया। आपने देखा कि एक नदी है, नदी की चौड़ाई के अनुसार गहराई है, नदी ये नदी है, जहां नदी है पहला किनारा दूरी जो है जीरो है, गहराई भी जीरो है, 3 डेसीमीटर जाने पर आपको 20 डेसीमीटर जाने पर और 30 डेसीमीटर जाने पर 9 मीटर है डेसीमीटर, 40 डिग्री पर 12 है और 50 डिग्री जाने पर 15 और 60 डिग्री जाने पर 40 70 डिग्री जाने पर 8 और 80 डिग्री जाने पर 12 कितनी है। अब हमें परिधीय एरिया निकालना है, जानते हैं एरिया इक्वल ये डिवाइड ये प्लस है प्लस टू ओ प्लस टू, यहाँ पर वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव
परिच्छेद की एरिया, ठीक है। तो सिम्पसन के रूल से आप समझ गए कि परिच्छेद की एरिया हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड नाम बताएंगे, थ्री बाई एट नियम भी कहते नियम को नियम भी कहते है आपको A by Y. सिम्पसन का 3 बाई 2 नियम क्या है,
ऊपर वाला